प्रोबेबिलिटी ट्रैक का देखो होती क्या चीज है, कोई भी काम हो मान लो मैं कोई बॉल फेंक रहा हूँ तो एक काम है वो कितने एक ही काम है ना, बॉल फेंकना एक काम है, तो एक काम में से कितने परसेंटेज वो हो सकता है कितना नहीं हो सकता इसको बोल सकते हैं अपन प्रोबेबिलिटी। काम तो एक है बॉल कब फेंकना या नहीं फेंकना ये एक काम है ठीक है। अगर मेरे चांस है कि मैं यहाँ तक बॉल लाया अब मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, 40% चांस है कि मेरा मूड बदल जाता है मैं इसको नहीं फेंकूँ, 60% चांस है कि मैं इसको फेंक देता हूँ, तो मेरे फेंकने के चांस कितना हो गया 60% और नहीं फेंकने के कितना हो गया। अब प्रायिकता निकलती है हमेशा एक में से, तो परसेंटेज में प्रायिकता नहीं होती, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 और वो कहाँ लगता है हमेशा नीचे नीचे लगता है, तो ये भी नीचे लगता है 0 से 0 2 2 4 2 5 10 0 से 0 2 3 6 2 5 10 तो मेरे उस बॉल को फेंकने की प्रायिकता तो हो गई 3/5 और मेरे नहीं फेंकने की प्रायिकता 2/5 और अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 आना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम प्रायिकता अधिकतम प्रायिकता 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इस चीज में तुम्हें ये चीज याद रखनी है पूरे चैप्टर में कि तुम्हारा आंसर 1 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, 1 से ज्यादा 2 नहीं आएगा कभी भी, 2.5 4.5 ऐसा कोई आंसर नहीं आएगा ठीक है। पॉइंट कम अगर आता तो 0 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा तुम्हारा या फिर अपॉन नौ के रूप में आएगा, लेकिन कभी भी 1 से ज्यादा तुम्हारा आंसर नहीं होगा, अगर 1 से ज्यादा आएगा तो तुम्हारा गलत है। आगे समझ में। अब इस प्रायिकता को ज्ञात करने का सूत्र संभावित परिणाम बटे और इस ये ही लगेगा सारे क्वेश्चंस में, 11 क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज में है और एग्जांपल में है 8 या 10 11 एग्जांपल 11 क्वेश्चन, टोटल 22 क्वेश्चंस है, इनके अंदर से 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। अनुकूल भी लिख सकते हैं इसे, समझ में आया। इन 22 क्वेश्चंस में से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, करें क्वेश्चंस थोड़ा फास्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पासा डाइस जो तुम सामने से खेलते हो उसमें फेंकते हो ना बुरा एक, उसको बोलते हैं पासा। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, अभी पता मुझे जो पासा फेंकते हो डाइस फेंकते हो उसमें कितने नंबर होते हैं, 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कौन कितने आएंगे, 6 कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5 और 6 4, 5, 6 अब क्वेश्चन ने कहा है तुमसे कि 4 से बड़ी
डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो चार से बड़ी डिजिट आने की कंडीशंस कौन कौन सी है? फाइव और सिक्स। संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे? पांच और नंबर ऑफ सर इतना बड़ा काम देते नहीं छोटे से बोलते हैं। लैंग्वेज है बोलने का तरीका है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? कितने हैं? एक और एक दो। तो अब तुम्हें कौन कौन सी चीजों से काम है? एक तो इससे काम है और एक इससे काम है। इसको तुम लिख देते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स उस परिणामों की संख्या कितनी है? यहाँ पर सब चीज मिल गई। अपने को ये नहीं देखना है रिजल्ट क्या है, अपने को ये देखना है रिजल्ट कितना है, कितनी बार है? छह बार है। और ये कितनी बार है? दो बार है। अब निकालेंगे अपन प्रैक्टिकल। Probability of right क्या होती है? पहले फॉर्मूला लिखोगे कितने दो और पॉसिबल काट दो हमेशा छोटी ऊपर आएगी बड़ी वाली नीचे आएगी। अनुकूल परिणाम बटे कहीं कोई दिक्कत किसी को भी एक कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एवरी टाइम। कि एक सिक्का है उसको दो बार उछाला जाता है, दो सिक्कों को एक बार उछालना या एक सिक्के को दो बार उछालना एक ही बार, ठीक है? एक सिक्के पे हेड और टेल दोनों चीज आती है एक सिक्के पे और एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? इट मीन्स कि दूसरे बार टाइम भी हेड और टेल होगा। तो टोटल रिजल्ट्स कौन कौन से हुए? या तो दोनों टाइम हेड आ सकता है या दोनों टाइम हेड और टेल आ सकता है या दोनों बार टेल हेड आ सकता है या दोनों बार टेल आ सकता है, ठीक है? तो एक सिक्के को दो बार उछालने के परिणाम है ये। एक सिक्के को दो बार उछालना या दो सिक्कों को एक बार उछालना मतलब 1.2 times टॉस टू टाइम और
कॉइंस टॉस बनता है और टू कॉइंस टॉस बनता है। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। तो एरे वाला फोर्स कितने हैं? नहीं सॉरी, मेरे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? फोर। इट मींस कुल परिणाम कौन कौन से हैं? तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कुल परिणाम की संख्या चार। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक से दो साल पर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता दोनों बार है। कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर तुम हेड या टेल कोई एक चीज मान लो, हमें नहीं पता चित्त पट, मुझे भी नहीं पता आज कि चित्त पट क्या होता है। बस मेरे ये या तो हेड से आंसर निकाल लो या टेल से निकाल लो आंसर, कोई नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या कह रहा क्वेश्चन? गेटिंग एक्स एक्स एवरी टाइम सही है, प्रत्येक बार एड आना। कौन कौन सा है? दोनों बार एड आना, एक ही है ना, दोनों बार एड एक बार ही आ रहा है। तेरे बार कौन सा कितना हो गया? वन। अनुकूल परिस्थितियां कितनी है? वन। तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड एवरी टाइम प्रत्येक बार एड आने की प्रायिकता क्या होता है? सूत्र फेवरेबल आउटकम्स पॉसिबल इट मीन्स अनुकूल परिणाम या परिस्थिति एक चीज है बटे कुल परिणाम कितनी कितनी है? P of E equals to 1 upon 4 ऐसे निकाल। सबका वही मेथड है, सबका फिक्स है। पॉसिबल आउटकम्स एक अभी जब वाले साथ कुल परिणाम कंडीशन क्या है? 17 नंबर बिटवीन 1 टू 17 एक से 17 के बीच की संख्या है, नॉट अबाउट द सेम टाइम।
कितनी हुई? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह बेटा जीरो से अठारह के बीच में कितनी होती है? सत्रह के बीच जीरो से अठारह जीरो से सत्रह बोलो एक से सत्रह के बीच फोर नंबर पीछे कुछ है ना पंचायती अवध संख्या है अवध संख्या क्या होती है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दो चार छह आठ दस अच्छा एक सात आठ एक छह पाँच नौ ग्यारह पंद्रह सत्रह सर टू सर जो खुद से डिवाइड होते हैं ऐसे डिजिट्स जो खुद से डिवाइड होते हैं जैसे कि दो दो में एक का वन जाता है और सिर्फ दो का जाता है किसी का नहीं जाता तीन तीन में तीन का जाता है और एक का जाता है पाँच पाँच में भी खुद का जाता है एक का जाता है सात सात अनुकूल परिणाम अनुकूल अनुकूल परिणाम कितने हैं सात तो प्रोबेबिलिटी परिणाम बटे कुल परिणाम सात बटे अल्टरनेटिव तरीका यही है गलत कर देगा क्वेश्चन नंबर सिक्स
क्वेश्चन नंबर 6 वाला जवाब साइज समझा दे ये अरे फंक्शन का अल्टरनेटिवली एच लाना चाहिए तो अपन फेवरेबल वाला फंक्शन हां डायरेक्ट क्या ही लेंगे तुम्हें लिख दिए फिर ठीक है। 6 क्वेश्चन यदि p ऑफ a यदि p ऑफ a इट मींस किसी वर्क के होने की प्रोबेबिलिटी यदि 0.5 है तो किसी वर्क के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.25 क्यों अपन जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है किसी भी वर्क की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है एक होती है मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो होने की इतनी है तो नहीं होने की कितनी होगी 1 माइनस कर दो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 तो p ऑफ a बार इसका मतलब होता है a के नहीं होने की प्रायिकता तो कैसे करोगे 1 माइनस 0.65 और इसको घटाना सीख लेना ढंग से 0.35 इसका आएगा 0.35 दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है मैक्सिमम एक बार ही टेल आना चाहिए उसमें या हेड आना चाहिए एक बार ही हाँ इट मींस हेड टेल जिसमें टेल कितनी बार आया एक बार ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में ये कहा कि दो सिक्कों को एक बार उछालो तो 4 रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हें 4 रिजल्ट्स में से वो बोल रहा है कि अधिक से अधिक एक पट आए एक हेड आए हाँ दो बार उछालने पर कौन कौन से आते हैं हेड टेल ठीक है इसमें से अपन पट मान लेते हैं टेल था ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि मैक्सिमम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैक्सिमम एक से ज्यादा नहीं आ सकता ये एक कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन है जिसमें मैक्सिमम कितने टेल्स है एक टेल्स है लेकिन जो कि इसमें एक से ज्यादा है और ये तीसरी कंडीशन है इसमें टेल ही नहीं है उसने मैक्सिमम का तो दे दिया कि मैक्सिमम एक आना चाहिए मिनिमम नहीं दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4 अपन दोनों कर सकते क्योंकि इसमें क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं कहा है अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा तो सही है लेकिन अगर क्वेश्चन कह देता कि मिनिमम और मैक्सिमम न्यूनतम और अधिकतम एक ही आना चाहिए तब अपन सब दो लेते सर इसकी राय अच्छी से पड़ेगी इसको वाला भी ऐसे ही बना लो तुमने हम काफी पर ऐसे ही कर लीजिए कि किसी भी कार्य की अधिकतम प्रायिकता बराबर है हां क्या बोल रहे हो इसकी बताइए ना सर एक वाला थैंक यू हां कोई नहीं है क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं है क्वेश्चन की क्योंकि एक नंबर में आता है तीन में नहीं आता क्वेश्चन नंबर एक एक पासे को दो बार उछाला जाता है ये मैं कराऊं जल्दी नोट डाउन करो इसको जो करना है उसको है कि एक बैग है तुम्हारे पास और एक बैग में रेड बॉल्स लाल गेंद पांच है और आगे व्हाइट बॉल्स सफेद गेंद है तीन है और अब कह रहा है याद है एक बॉल उनमें से सेलेक्ट की जाती है तो टोटल बॉल्स कितनी हुई 8 3 + 5 = 8 अब फर्स्ट पर फर्स्ट क्वेश्चन है इस भाई इसके
इसकी क्या प्रायिकता है? फर्स्ट सफेद हो की प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल सफेद बॉल की प्रायिकता फॉर्मूला लगाना है फेवरेबल आउटकम्स बटे पॉसिबल आउटकम अनुकूल परिस्थितियां अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम। तो सफेद बॉल आने के परिणाम कितने रिजल्ट कितने तीन तो तीन कुल कितने आठ। सेकंड सफेद नहीं हो सफेद आने की ये नहीं सफेद आने की ये नहीं अब तुम्हें निकालना है सफेद नहीं आने की सफेद नहीं वाला आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट बॉल सफेद बॉल नहीं होने की प्रायिकता इसका क्या करोगे P ऑफ A बार मतलब नहीं होने की तो 1 माइनस P ऑफ A कि नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता और होने की प्रायिकता कितनी है 3 बटे 8 तो क्या कर दोगे 1 माइनस P अपॉन 8 अब दिमाग मत लगाना चुपचाप से LCM ले लेना ठीक है तो LCM आया 8 8 माइनस 3 आंसर आया 5 अपॉन अब मैं कहूँ रेड आने की तो वो भी यही आएगा और व्हाइट नहीं आने की भी यही है। टेंथ क्वेश्चन है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों मिल गए 132 अच्छे पेन है गुड पेन से ठीक है मेरे पास एक बैग में 132 पेन से उसमें मैंने मिला दिए 12 खराब पेन तो टोटल कितने हो गए 144 144 पेन हो गए। तो क्वेश्चन ने पूछा है यदि एक पेन चुना जाता है इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी अच्छे पेन कितने थे 132 और खराब पेन कितने सॉरी टोटल पेन कितने थे 132 बटे 144 समझो काट दो 11 15 ठीक कर लोगे लैंग्वेज है जो पिछले 3 क्वेश्चन में लिखवा चुका हूँ वही लैंग्वेज आपने अपने को ज्यादा पसंद है ठीक है। उसके बाद बचे तुम्हारे 5th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन कल खत्म करवा दूंगा।